हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ वृश्चिक राशिफल नवम्बर 2021 के बारे में। ये वर्ष खत्म होने जा रहा है, बस खत्म होने से एक महीना पहले क्या क्या अच्छा और क्या क्या बुरा होने वाला है, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आपको देखने के लिए YouTube पर मैं नवंबर का बहुतेरे वीडियो मिल जाएंगे, हजारों वीडियो मिल जाएंगे। कहीं पर मैं लिखा हुआ होगा मौत आ रही है, कहीं पे लिखा हुआ होगा करोड़पति बनने जा रहे हो, कहीं पे लिखा हुआ होगा कुछ, कहीं पे लिखा हुआ कुछ। ऐसी स्थिति रहती है कि मैं जब देखता हूँ तो हंसी आ जाती है। मित्रों, आपको मैं बता दूँ कि कल मैं पढ़ रहा था अपने ही चैनल पर में एक कमेंट, एक बुजुर्ग का आया था कि गुरुजी आपका हेडिंग सही है, नहीं तो बड़े बड़े बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर सबका, ज्योतिष सबका हेडिंग रहता है कि ऐसा हेडिंग रहता है। उन्होंने कुछ तो गलत शब्द का प्रयोग किया था, मैं उसको नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उनका कहने का अर्थ ये था कि ऐसा रहता है कि हम बुजुर्ग व्यक्तियों का, हम लोगों का, कमज़ोर हृदय वालों का हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसे शब्दों का वो लोग प्रयोग कर देते हैं। और होना हो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका ऐसा क्लिक बेट वो लोग करते हैं। और समस्या की बात यह है कि लोग वहाँ पे जाके वीडियो देखते भी हैं, अभी तक उनका दिमाग नहीं खुल पाया इतने दिनों से कि वो क्लिक बेट कर रहे हैं, वो गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, गलत चीज़ें आपको बता रहे हैं, सही चीज़ वो बता ही नहीं रहे। उनके पास में खुद ही सही चीज़ों का ज्ञान नहीं है। 90% ऐसे एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं यूट्यूब पर में, जब मैं देखता हूँ तो हंसी आती है। कभी कभी मौका मिल जाता है खोलने का यूट्यूब तो हंसी आती है। इतना वो तो एक तो खुद बेवकूफ़ है, एस्ट्रोलॉजी का एक ज्ञान नहीं है उनके पास में। कहीं कहीं से यहाँ से दो लाइन, वहाँ से दो लाइन, वहाँ से दो लाइन लेकर के एक छोटा सा वीडियो बना दिया, कुछ ऐसा क्लिक बेट कर दिया, कुछ ऐसे बातें बोल दी, अब जिसके कारण से लोग अब उसके पीछे पड़े हुए हैं, देखे जा रहे हैं। अरे भाई दो दिन में मौत होने वाली, जरा देख लें। अरे भाई दो दिन में करोड़पति बनने वाले हैं, जरा देख लें। इस प्रकार की चीज़ों के पीछे लोग भाग रहे हैं, और इसमें सिर्फ उनकी गलती नहीं है, इसमें आपकी भी गलती है, क्योंकि आप लोग वहाँ पर में उनको प्रमोट कर रहे हो, देख रहे हो, जा रहे हो, समय वेस्ट कर रहे हो, इसीलिए वो अगले दिन से और भयावह चीज़ों का प्रयोग करते हैं। इसलिए आइए उन सब बातों को छोड़ते हुए जो सच्चाई है उन पर मैं चर्चा करते हैं, और एक शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूँ। इस शब्द का प्रयोग करना किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए आत्मघाती हो सकता है, अपने ही पांव पर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो सकती है। आपके सामने में अभी जो बोर्ड पर में एक कुंडली बनी हुई है, ये वृश्चिक राशि के लिए लग्न कुंडली है, ये ना लग्न कुंडली नहीं है, ये चंद्र कुंडली नहीं है, ये नवमांश कुंडली नहीं है, ये एक सिर्फ और सिर्फ साधारण गोचर कुंडली है। गोचर कुंडली केवल संभावनाओं पर में आधारित होती है। अभी मैं जो शब्द बोल रहा हूँ बड़ा ध्यान से सुनिएगा आप। गोचर कुंडली बहुत ही आपके जन्म कुंडली से जहाँ पर में मैच करेगा वहीं पर में उसका फल लागू होगा। गोचर कुंडली, अब बताओ कि मैं आपको राशि फल बता रहा हूँ, मैं सामने में कुंडली बना के बैठा हुआ हूँ, और मैं ही ये शब्द बोल रहा हूँ कि गोचर कुंडली कभी भी 100% सटीक नहीं होती है। ये मैं अपने गर्दन पर में तलवार रख रहा हूँ या नहीं, मैं अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा हूँ या नहीं, लेकिन ये बताना, आपको समझाना मुझे लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है। गोचर कुंडली को देख करके, आप मेरा वीडियो देखें ना देखें कोई बात नहीं है, आप जिस किसी भी व्यक्ति का वीडियो देखते हैं वहाँ से कभी भी गोचर कुंडली को देख करके अथवा राशि फल को सुन करके कोई बड़ा डिसीजन बिल्कुल ना लें जिंदगी में, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि गोचर कुंडली सिर्फ और सिर्फ संभावनाओं पर में आधारित होती है। उसको आप कभी भी 100% सच ना माने, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा, पछताने के सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। बहुत बड़ा कमिटमेंट कर दिया, बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने आपके सामने। अब समझने वालों के लिए है कि इसको कितना अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो। गोचर कुंडली जो है मित्रों,
वो आपके राशि फल का अर्थ ही होता है। राशि फल जो है आपका गोचर कुंडली के आधार पर में बनाया जाता है। वैसे तो मासिक राशि फल केवल एक ग्रह सूर्य के गोचर पर के आधार पर में ही निकालने का विधान है, लेकिन अब सभी ग्रहों का प्रभाव भी बताना आपको जरूरी है कि किसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लग्न कुंडली जो है आपकी, वो आपका प्रारब्ध है, वो फिक्स है। उससे जो विद्वान व्यक्ति, जो गुणी एस्ट्रोलॉजर हैं, वो जो प्रिडिक्शन करेंगे, मैं जो प्रिडिक्शन करता हूँ उसमें मैं ये बोलता हूँ कि 95 to 97% जो मैं बोल रहा हूँ, जो एक एक शब्द मेरे मुख से निकल रहा है, वो सच साबित हो करके रहेगा। उसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। अब 2-3% का तो भगवान नहीं है भाई, तो इस पर मैं गारंटी नहीं ले सकती, ये गारंटी देता हूँ मैं खुद ही। लेकिन गोचर कुंडली के बारे में मेरा ही ये मत है, मेरा ही ये मानना है कि इस पर मैं कभी भी विशेष निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसको एक सामान्य तरीके से देखिए और सामान्य तरीके से बस देख करके समझने की कोशिश कीजिए, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। अगर कुछ परेशानी है राशि कुंडली में तो वहाँ से बस कुछ उपाय कर लीजिए, ग्रहों का कुछ विशेष जाप कर लीजिए, आपका वो सही रहेगा, ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं। आइए चर्चा को आरम्भ करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि राशि फल जब आप देखते हो, मेरा खुद का ही, तो आप पर में कभी 90% तो कभी 80% तो कभी कभी 100% कभी 70% लागू होते हैं। आखिर क्यों? जब आप सोचोगे कि मैं ये कहता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ जन्म कुंडली देखने के बाद वो 100% नहीं तो कम से कम 95 to 97% सच होती है, तो क्यों वो 80% लागू होती है, क्यों 70% लागू होती है, क्यों 90% लागू होती है, वो क्यों नहीं 95% लागू होती है, वो क्यों नहीं 97% लागू होती है, आखिर इसका क्या कारण है? इसका कारण सिर्फ इतना है कि गोचर कुंडली में जो ग्रह की स्थिति है, जो राशि परिवर्तन हो रही है, आपके लग्न कुंडली में उसका क्या स्थान है, आपके लग्न कुंडली में वो किस स्थिति में है, बस वहां पर से गोचर कुंडली का टकराव जितना परसेंट लग्न कुंडली से होगा उतना परसेंट फल यहां पर में लागू होगा। सीधी बात इतनी ही है। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, इस महीने में जो है सो ग्रह, तीन ग्रह ऐसे हैं जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं कि सूर्य जो है सो 16 नवंबर तक आपके तुला राशि में नीच के हैं। बुध जो है सो 21 नवंबर तक वृश्चिक तुला राशि में है, उसके बाद वृश्चिक में चले जाएंगे। और गुरु जो है सो 20 नवंबर तक मकर में है, उसके बाद कुंभ में चले आएंगे। इन सब का क्या फल होगा, आइए एक एक करके समझते हैं। मित्रों, ये गोचर कुंडली है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं गोचर कुंडली में जो भी क्या सीन है इसका, कि कारक और मारक ग्रह का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। अगर आप कारक और मारक ग्रह का ध्यान रख करके नहीं फलादेश करेंगे तो आपकी फलादेश जो भी 80-90% लागू होती है वो भी नहीं हो पाएगी। तो वृश्चिक लग्न के कुंडली में बुध और शुक्र, यानी कि अष्टम भाव का मालिक और द्वादश भाव का मालिक जो है वो मारक है, वो जहाँ बैठेगा जहाँ देखेगा वो बुरा परिणाम देगा। बाकी ग्रहों का फिर देख करके आगे फलादेश चालू करते हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूँ कि प्रथम भाव में ही आपके कुंडली के यहाँ पर मैं मुझे फलादेश शुरू करना पड़ेगा द्वादश भाव से, क्योंकि सूर्य जो हैं, सूर्य से फलादेश शुरू करते हैं। सूर्य 16 नवंबर तक आपके कुंडली के द्वादश भाव यानी कि 12वें घर में बैठे हुए हैं और नीच के हैं, जिसका परिणाम वृश्चिक राशि वालों को नवंबर 2021 में काफ़ी बुरा मिलने वाला है। और इसमें कैसे कैसे क्या क्या बुरा हो सकता है उन चीज़ों को हम समझेंगे अभी। तो आपको मैं बता दूं कि द्वादश भाव जहां पर मैं अभी सूर्यदेव 16 नवंबर तक बैठेंगे वो होता है धन हानि का, खर्च का। तो 16 नवंबर तक वृश्चिक राशि वालों के हाथ से पैसा निकलता चला जाएगा। उनको समझ में नहीं आएगा कि आखिर किस प्रकार से मेरे हाथ से पैसा निकल रहा है, वो इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। धन हानि होना शुरू हो जाएगा, पैसा लॉस होना, बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। वो देखेंगे कि उनका पैसा कहीं ना कहीं जो है फंसता जा रहा है, कहीं किसी को दिया जो अब इतना दिन में लौटा दूंगा वो लौटा ही नहीं रहा है, कहीं कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में पैसा जमा किया जो वहाँ से सामान कुछ उठाना है, अब वो ना सामान दे रहा है ना पैसा दे रहा है। इस प्रकार की स्थिति यानी कि धन हानि की स्थिति, धन के बर्बादी की स्थिति, पैसा का हाथ से निकलते जाना, ये सब अभी वृश्चिक राशि वालों को देखने को मिलेगा। कब? तो 16 नवंबर तक,
क्योंकि सूर्यदेव नीच के द्वादश भाव में बैठे हुए, नींद वगैरह आने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा अभी वृश्चिक राशि वालों को 16 नवंबर तक। और मैं बता दूं आपको वृश्चिक राशि वाले कि कुछ तबीयत वगैरह भी ख़राब हो सकती है, जिसके कारण से हॉस्पिटल का खर्चा भी आपके लिए एक्टिवेट हो सकता है। और यहाँ से सूर्य की दृष्टि जो है तो सीधी पर रही है आपके कुंडली के छठे भाव पर में, और जैसा कि आपको मैं हजारों बार बता चुका हूँ कि छठा भाव होता है दुश्मन का, तो नीच दृष्टि से सूर्यदेव छठे भाव पर देख रहे हैं, जिसके कारण से दुश्मन आपको इस महीने में 16 नवंबर तक बहुत परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ बीमारी भी आपको छोटी मोटी परेशान करने की कोशिश कर सकती है। आपको बता दूँ कि कुछ पैसा वगैरह भी फंस सकता है, कुछ कर्ज वगैरह उधारी वगैरह भी ले सकते हो। मन थोड़ा सा चिंतित रहेगा, दुखी रहेगा, शोकाकुल रहेगा 16 नवंबर तक। आपके इज्जत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में भी आपको कमी का एहसास होगा, राजा से भी विशेष फायदा नहीं मिल पाएगा 16 नवंबर तक। 16 नवंबर के बाद सूर्यदेव आपके कुंडली के प्रथम भाव में चले आएंगे, यानी कि 17 नवंबर से, और यहाँ पर में फिर ये आपको बढ़िया फल देंगे, क्योंकि यहाँ पर में अब ये मारक ग्रह नहीं, अब ये कारक ग्रह के रूप में बदल गए। 16 नवंबर तक इस भाव में बैठने कारण ये मारक थे, ये गलत परिणाम दे रहे थे, यही ग्रह अब 16 नवंबर के बाद अच्छा फल देंगे। यही ज्योतिष विद्या का समझना है, बस यही है ज्योतिष विद्या। तो 16 नवंबर के बाद वही सूर्यदेव आपको इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान देंगे, ग्रह वही है, जगह बदल गया बस। तो वही सूर्यदेव आपको इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान, गवर्नमेंट से फायदा, काम धंधा का बढ़िया चलना देंगे। आपके दिमाग को काफ़ी ज़्यादा होशियार बनाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाएंगे वही सूर्यदेव। आपको बता दूं मित्रों कि इस समय में ज्ञान की वृद्धि होगी 16 नवंबर के बाद में, विवेक आपका बढ़ता चला जाएगा, शीलवान बने रहेंगे, गौरव आप पर में लोग करेंगे, विनम्र बने रहेंगे, स्वभाव भी आपका बहुत ही बढ़िया बना रहेगा 16 नवंबर के बाद पूरा महीना। आपको मैं बता दूं कि बल की भी कमी नहीं होगी और काफ़ी रूपवान सुंदर भी दिखेंगे इस समय में 16 नवंबर के बाद आप। मित्रों 16 नवंबर के बाद सूर्यदेव की यहाँ से दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी, जिसका विवाह वगैरह नहीं हुआ है, विवाह का भी योग बन जाएगा और विवाह की बातें आगे चल सकती है, बढ़ सकती है आपकी, इसलिए इसके लिए भी तैयार हो जाएं। काम धंधा जिसका मंदा चल रहा था, अच्छा नहीं चल रहा था, उसका काम धंधा भी चलेगा। जिसका जीवन साथी के साथ खटपट चल रहा था, उसका भी बड़ा प्यार बढ़ जाएगा पति पत्नी के बीच में। आपको बता दूं कि कारोबार की स्थिति भी बड़ी अच्छी हो जाएगी और काम और वासना भी थोड़ा सा जागृत हो जाएगा, सेक्स के प्रति मन जो है सो भागना शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी थी तो वो भी इस समय में दूर हो जाएगी, बस जो दवा ले रहे थे वही दवा लेना है, ठीक हो जाएगा 16 नवंबर के बाद। जो दुश्मन है आपसे टकराने की कोशिश करेगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा वाला बात हो जाएगी। और पार्टनरशिप में भी अगर कोई काम धंधा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 16 नवंबर के बाद बढ़िया चलेगा पूरा महीना। अब बात करते हैं आगे बुध देव की। बुध देव जो है मित्रों आपके कुंडली में 20 नवंबर तक ये रहने वाले हैं, 21 नवंबर तक बुध देव 21 नवंबर तक आपके कुंडली के ये द्वादश भाव में रहने वाले हैं, उसके बाद 22 नवंबर से ये चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। अब 21 नवंबर तक ये तो परेशानी देंगे, अब जैसे में क्या क्या परेशान करेंगे कि आपको पैसे बहुत खर्च करवाएंगे 21 नवंबर तक बुध देव। अच्छा अभी आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा मुझे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अब मैं ये हर वीडियो में एग्जांपल देता हूँ तब जा कर के लोगों को समझ में आती है कि मैं एक तरफ कह रहा हूँ कि सूर्यदेव बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे, दूसरी तरफ कह रहा हूँ कि बुधदेव बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे, और अभी मैं आगे कहने वाला हूँ कि ये ग्रह आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। आपको समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे पूर्ण रूप से। कुछ लोगों का कमेंट भी आया है, कहा है कि क्या कंफ्यूज कर रहे हो गुरुजी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। नहीं तो वो भी पढ़ा मैंने, उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि हाँ ये आप लोगों को तो एस्ट्रोलॉजी का जानकारी है नहीं, तो मन में तो कन्फ्यूजन की स्थिति निश्चित रूप से उत्पन्न हो जाएगी। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ये एक मार्कर है,
इस मार्कर को लेने का आपका मन है, लेकिन आपके माता का इच्छा नहीं है कि आप ये मार्कर लें। आपकी माँ इस मार्कर को लेने के खरीदने के बिल्कुल विपरीत है। उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ये नहीं लेने दूंगी, लेकिन आपका मन है लेने का। और आपके पिताजी का भी मन है कि आप ले लो ये मार्कर, पिताजी का भी एक तरफ से मन है, लेकिन वो खुल के आ नहीं रहे माँ के विरोध में, जो टेंशन ना पैदा हो जाए। पिताजी क्या करेंगे, कहेंगे बेटा तुम्हारे पास 5 रुपया है, ये 20 रुपया तुम मेरे तरफ से चुपचाप रख लो और जाओ मार्कर ले आओ और अपना काम कर लो। माता को पता भी नहीं चला है, माता पूर्ण रूप से विरोध में है। मार्कर लाने के बाद भले ही माता आपको चार बातें आपको भी बोले, चार बातें आपके फादर को भी सुनाए, लेकिन आपको मार्कर प्राप्त हो चुका है। बस वही खेल है यहाँ पर में, बाकी ज़्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं है। कि एक ग्रह अगर हमारे विपरीत में है और दूसरा ग्रह अगर सपोर्ट में है, तो अपना काम निकल जाना चाहिए भाई। जिस ग्रह को सपोर्ट में रहना है वो सपोर्ट में रहे, जिस ग्रह को विरोध में रहना है विरोध में रहे। हम तो सबके सामने हाथ जोड़ेंगे और अपना काम निकलता जाए, बस यही प्रार्थना करते रहेंगे, और कुछ नहीं करना है। तो क्या है कि 21 नवंबर तक बुध देव भी हमारे वृश्चिक राशि वालों के विरोध में है, बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं है, पूर्ण रूप से दुश्मन बने हुए हैं कि भाई तुम्हारा तो काम होने ही नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। अब जैसे में कौन सा काम नहीं होने देंगे बुधदेव, तो जैसे में आपके हाथों से पैसा बहुत खर्च करवाएंगे, आप पैसे बचाने की बहुत कोशिश करोगे और वो पैसा आपके हाथ से निकलता चला जाएगा। आप उसको पकड़ के खींचने की कोशिश करोगे, बुधदेव उधर खींचने की कोशिश करेंगे और वो निकाल लेंगे आपके हाथ से, क्योंकि हमारे हाथों में इतनी शक्ति नहीं है कि हम देवता से टकरा पाए, क्योंकि हमारे पास उतना तपस्या नहीं है, हमारे पास में उतना बल नहीं है। पहले के ऋषि मुनि के पास उतना तपस्या बल हुआ करता था, वो ग्रह को भी घुमा देते थे और उनके डर से ग्रह भी थर थर कांपते थे। तो बुध देव आपके हाथों से पैसा खर्च करवा के रहेंगे, धन हानि करवा के रहेंगे। अब इसके लिए चाहे जो हो जाए, आप निश्चित रूप से प्रयास करोगे किसी प्रकार से पैसा बचा लिया जाए, किसी प्रकार से जो है धन को जमा कर लिया जाए, लेकिन ये आपके बचने वाले 20 नवंबर 21 नवंबर तक नहीं है, क्योंकि बुध देव इस भाव में। यहाँ पर मैं बुध देव 21 नवंबर तक हॉस्पिटल के भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, जिसके कारण से दवा में भी आपका कुछ पैसा जा सकता है, आपके फैमिली से जा सकता है। नींद वगैरह में भी परेशानी डालेंगे, रात में चौक करके उठ जाओगे भाई अभी क्या हो रहा है, नींद में भी परेशानी इस बुध देव डालने वाले हैं। यहाँ से बुध देव की दृष्टि जो है पड़ेगी आपके छठे भाव पर में, तो क्या करवाएंगे अभी यही बुध देव 21 नवंबर तक आपको दुश्मन से भी परेशान करवाएंगे, झगड़ा भी करवा देंगे, कुछ बीमारी भी दे देंगे, कुछ कर्ज वगैरह उधारी वगैरह भी करवा देंगे, आपको चिंता में भी डाल देंगे, दुख में डाल देंगे, शोक में डाल देंगे, वही बुध देव हैं। और 21 नवंबर तक आपको पूर्ण रूप से परेशान करेंगे, वही बुध देव 21 नवंबर तक आपके हर काम में बाधा डालेंगे, क्योंकि अष्टम भाव के भी मालिक हैं बुध देव। और बुध देव वैसे आपके कुंडली में मारक ग्रह के तौर पे जाने जाते हैं, इसलिए ऐसे भी ये खराब है। एक तो मारक ग्रह हो गया, ऊपर से द्वादश भाव में जाकर के दोबारा मारक हो गया, यानी कि परेशानी का पूर्ण रूप से कारक बन गया, बड़ा परेशान करने वाले हैं। अच्छा, ये 21 नवंबर के बाद भी मानने वाले नहीं हैं, ये 21 नवंबर के बाद भी जो हमारे मस्तक पे विराजमान होने वाले हैं ये लग्न में, उसके बाद भी परेशानी ही देने वाले हैं। जैसे कि मानसिक रूप से परेशान करेंगे, ये मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब करेंगे, दिमाग को घुमाने की कोशिश करेंगे, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी लाने की कोशिश करेंगे, ज्ञान में कमी लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि रंग रूप को थोड़ा सा खराब करने की कोशिश करेंगे, और स्वभाव तो बुध देव के कारण खराब नहीं हो सकता है, क्योंकि वो क्षमता इनके पास में नहीं है, तो स्वभाव वगैरह तो अच्छा ही रहेगा, जैसा था आपका वैसा ही रहेगा। और यहाँ से दृष्टि डाल देंगे सप्तम भाव पर में, तो पति पत्नी के बीच में भी परेशानी ला देंगे नहीं, उसके बाद काम धंधा भी में चलना कम कर देंगे, काम वासना ना ही बहुत ज़्यादा रखेंगे ना ही बहुत कम रखेंगे, वो मिला जुला करके ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद बता दूं कि इस भाव का जो है सो दुश्मन को भी देखा जाता है, दुश्मन को भी उकसाएंगे, थोड़ा सा इसको परेशान करो, थोड़ा सा इसको परेशान करो, थोड़ा सा इसको परेशान, उसको भी पिन करेंगे दुश्मन को कि क्या देख रहा है, थोड़ा सा इसको कुछ करो,
अरे क्या देख रहा है, थोड़ा सा इसको उधर कुछ करो। ये चीजें बुद्धदेव जो है सो करेंगे आपको नवंबर में वृश्चिक राशि वाले, इसलिए बुद्धदेव के सामने थोड़ा हाथ जोड़ने की आवश्यकता है। पूरे महीना मैं आपको कहूंगा कि ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करके उनको प्रणाम करें। नहीं ज़्यादा तो पांच माला तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक माला ही जाप कर ले, नहीं एक माला हो तो कम से कम 5-10 बार ही जाप करके प्रणाम करें। उनको अपने पक्ष में फेवर में करने की कोशिश करें, बुधदेव फेवर में रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इनसे काम निकलवाना है अपने को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुधदेव के बाद अब हम चर्चा करेंगे मंगल देवता की। अब देख लो कि मंगल देव आपके कुंडली में पूरे के पूरे महीने, द्वादश भाव से चर्चा शुरू किया मैंने, पूरे के पूरे महीने जो है सो आपके कुंडली के 12वें घर में ही रहने वाले हैं। अब खुद को ही उठा करके संकट में डाल दिया गया, खुद को यानी कि ये आप खुद हो, 8 जो लिखा हुआ है, 8 का मालिक होता है मंगल, मंगल को उठा करके 12वें घर में डाल दिया गया। और ये बदलने वाले भी नहीं हैं, ये पूरे महीने द्वादश भाव में ही रहेंगे, 12वें घर में ही रहेंगे। अब ये सब मिल करके आपके पैसे पे अटैक कर रहे हैं। बस आप ये समझ लो कि जो भी कुछ जमा वगैरह करके रखे होंगे पहले से पिछले महीने में, उन सब पर में मंगल देव की, बुध देव की 21 नवंबर तक, सूर्य देव की 16 नवंबर तक, और मंगल देव का पूरा महीना नजर है, जिसके कारण से आपके हाथों से ये भी पैसा निकलवाने का प्रयास करेंगे, दवा दारू में पैसा खर्च करवाने का प्रयास करेंगे, आपको मानसिक रूप से टेंशन तनाव देने का प्रयास करेंगे, नहीं आपको क्रोधी थोड़ा सा गुस्सैल बनाने का प्रयास करेंगे। मंगलदेव छठे भाव के भी मालिक है तो थोड़ा रोग ऋण शत्रु दुश्मन से भी परेशान करवाने का प्रयास करेंगे, कहेंगे सीखो, बहुत तुम उड़ते थे वृश्चिक राशि वाले, अब जरा सीखो क्या होता है, देखो जरा। वो सब मिलकर के अभी आपको पाठ पढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसलिए कुछ टकराना नहीं है, सीना चौड़ा नहीं करना है, सीधा सर झुका लेना है, हाथ जोड़ लेना है और ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का पूरे महीने बस सर झुका करके और जाप करते रहना है। कम से कम 5-10 बार रोज स्नान करने के बाद करना है। आपने खाना खा लिया पी लिया वो छोड़ दो, अगर आप खाना बिना खाए हुए करते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपका काम ही ऐसा है जिसमें आपको स्नान करने का समय सुबह में नहीं मिल पाए तब आप क्या करोगे, परेशानी में ही रहोगे, नहीं तब आप दवा तो लेना है। जैसे कि जब भी आप स्नान करो उसी वक्त ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः 5 बार जाप कर लिया, 5 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः सूर्य का भी जाप कर लिया, 5 बार बुद्ध का भी जाप कर लिया, ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, बस हो गया 5-5 बार कर लिया, उनको वहाँ पर में हाजिरी लग गया, हमारा अटेंडेंस लग गया जो हाँ ये जो है सो इसका नज़र है हम पर में, हमसे डरा हुआ है ये, और यहाँ पर में ये रोज़ हाजिरी लगा रहा है, हमारे सामने सर झुका रहा है, तो बहुत ज़्यादा जो परेशान करने के मूड में थोड़ा कहेंगे यार जाने दो इसको, थोड़ा सा छोड़ दो, कम परेशान करो इसको, तो बहुत ज़्यादा दुश्मन को उकसाने की कोशिश नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको डैमेज करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ाते हैं चर्चा। तो बुध देव के लिए मंत्र का जाप 21 नवंबर तक, अच्छा बुध देव के लिए तो पूरा महीना, मंगल देव के लिए पूरा महीना, लेकिन सूर्य देव के लिए 16 नवंबर तक ही मंत्र का जाप करना है, आपका काम उतना से ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि केतु यहाँ पर में बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में मित्रों, और वृश्चिक राशि में केतु यानी कि आपके मस्तिष्क पर में बैठे हुए हैं, और वृश्चिक राशि का केतु उच्च का होता है, ये आपको बड़ा बेहतरीन फल देने वाले हैं। बड़ा अच्छा संयोग की बात है कि केतु भी आपके लिए बढ़िया फल देने वाले हैं कम से कम। तो केतु क्या अच्छा फल देंगे, जैसे कि आपके दिमाग को बहुत तेज कर देंगे, युक्ति से कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए युक्ति से आप बाहर निकाल जाओगे, अपने आप को निकाल लोगे, चाहे चारों तरफ से चक्रव्यूह क्यों ना रच दिया जाए आपके लिए, लेकिन केतु का अगर सपोर्ट मिल जाए तो दिमाग में युक्ति से काम होना शुरू हो जाता है, और कैसे भी करके घूम टहल करके बाहर लोग निकल आते। तो इस महीने में दिमाग आपका बड़ा तेजी से चलेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है, आपका दिमाग बड़ा ब्रिलियंट तरीके से काम करेगा, बहुत ही मजबूती से काम करेगा, और केतु का आपको सपोर्ट प्राप्त हो रहा है, बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, तो दिमाग आपका बड़ा तेजी से काम करेगा और दिमाग से बहुत काम लेने वाले हैं। केतु आपको दिमाग से जीवन साथी का भी सुख दिलवाएगा, वैवाहिक जीवन का भी सुख दिलवाएगा, बता दूं काम धंधा रोजगार भी बड़ा बेहतरीन तरीके से केतु आपको खिंचवाएगा, अभी इस महीने में बढ़िया चलवाएगा,
जाएगा और दुश्मन को भी आपको दिमाग से युक्ति से ही उसको मार दोगे। दुश्मन को जाकर हाथापाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केतु क्योंकि मस्तिष्क पे बैठा हुआ, उच्च का बैठा हुआ है, तो आपको बड़ा बेहतरीन फल देगा। केतु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही, अचानक से धन लाभ भी करवा देगा, पैसा भी दिला देगा। इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। ननिहाल से भी नानी वगैरह जिंदा होगी, नाना वगैरह जिंदा होगा, वहाँ से भी कुछ टान के ले आओगे, कुछ पैसे ले आओगे और बच्चों का भी परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा, पढ़ाई लिखाई में बढ़िया करेंगे, काम धंधा कर रहे होंगे तो वहाँ पर अच्छा करेंगे। केतु पूरा महीना इसी भाव में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर मैं नहीं सोचना है कि अब केतु कब यहाँ से निकल जाएगा जो मेरा काम सब गड़बड़ा जाएगा, नहीं, इस महीने में आपका काम नहीं गड़बड़ाने वाला है केतु कारण आपका काम बनेगा ही। अच्छा, केतु को पूजा करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी केतु अपने फेवर में है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पंचम भाव के रिगार्डिंग जैसे कि फॉलोअर्स आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपका यश मान सम्मान में वृद्धि होना जो है सो शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं केतु की नवम दृष्टि आपके भाग्य के घर पर में भी पड़ रही है, तो भाग्य का भी केतु का सपोर्ट मिलेगा और भाग्य भरोसे भी आपको केतु उठा उठा के आगे 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 हो जा आगे हो जा करते हुए लेकर के चला जाएगा। केतु आपको अगर विवाह वगैरह हो चुका होगा तो ससुराल पक्ष से भी फायदा दिलवाएगा, जैसे जो पुरुष वर्ग हैं तो साला साली से फायदा दिलवाएगा। अब मैं ऐसे ही एक वीडियो में पढ़ रहा था, आपका ही कमेंट आया था किसी महिला का या किसी लड़की का, कि मैंने कहा कि यहाँ पर मैं कि आपको साला साली से फ़ायदा होने वाले हैं। अब किसी महिला का कमेंट आया वहाँ पर मैं कि गुरुजी हमारा तो कोई साला साली है ही नहीं, मैं तो लड़की हूँ अथवा महिला हूँ, भूल रहा हूँ उनका कुछ नाम बताया था उन्होंने, मैं तो ये हूँ। तो वहाँ पर मैं आपको साला साली से फ़ायदा नहीं मिलेगा महिलाओं, आपको देवर और ननद से फ़ायदा मिलने का योग बन जाएगा। वहाँ पर मैं आपको देवर से फ़ायदा मिलेगा, जेठ से फ़ायदा मिलेगा और ननद से फ़ायदा मिलने का योग बन जाएगा। आपको बढ़िया गुरु आचार्य से मिलवा देगा केतु, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, तो बड़ा बढ़िया केतु का रिजल्ट आपके लिए बढ़िया रहेगा इस महीने में। आगे बढ़ते हैं और शुक्र की बात करते हैं। शुक्र आपके कुंडली में जो है सो द्वादश भाव का मालिक है और ये मारक ग्रह है आपके कुंडली में, शुक्र आपके लिए अच्छा नहीं है। अब शुक्र दूसरे भाव में जा करके बैठ गया आपके लिए, ये शुक्र फिर परेशानी पैदा करेगा। अब बताने में थोड़ी हमको मुझे भी दिक्कत हो रही है, लेकिन अब मेरा तो काम है बताना, लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये गोचर कुंडली है ये भाई साहब, गोचर कुंडली है, ये संभावनाओं पे आधारित है, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा, लागू होगा 70-80-90% लागू होगा, निश्चित रूप से होगा। इसलिए उपाय निश्चित रूप से अपने को हथियार तलवार एक बंदूक एक साथ में रखना है बगल में, जो दुश्मन आ जाए तो फायर कर देंगे। अच्छा, तो शुक्रदेव अभी क्या करेंगे, शुक्रदेव द्वादश भाव के मालिक होकर के धन के जमा बैंक बैलेंस वाले भाग में बैठ गए। इस महीने में ग्रह सब आपका पैसे पर में बड़ा जोर मार रहा है, आपको पैसा इस महीने में बहुत खर्च करवाने वाला है, आपको थोड़ा सा सावधान रहें आप। अब देखो ये खर्चा उठ करके बैंक बैलेंस के घर में चला आया, जिसके कारण से शुक्रदेव पूरा का पूरा महीने भी इसी भाव में रहने वाले हैं, समस्या भी यही है। तो क्या करेंगे शुक्रदेव, अभी आपको जो पैसा जमा पूंजी वगैरह होगा, जो बचा बचा करके आपने जो रखा होगा, उसको भी वो उसमें से अब निकालना शुरू करेंगे। शुक्रदेव नवंबर आते ही कहेंगे निकालो निकालो निकालो, थोड़ा थोड़ा करके बड़ा ही प्यार से, शुक्रदेव का काम बड़ा प्यार से होता है, वो बड़ा प्यार से निकालना शुरू करेंगे, निकालते 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 आपके हाथों से पैसा सारा का सारा खर्च करवा देंगे। क्योंकि खर्चा को उठा करके डाल दिया गया है धन जमा के घर में, तो जमा पूंजी को यहाँ से निकाल लेंगे धीरे धीरे शुक्रदेव सुख भोग विलास में, और आप खर्च कर देंगे। शुक्रदेव इस कुंडली में द्वादश भाव के अलावा सप्तम भाव के भी मालिक हैं, तो बिजनेस को भी परेशान करेंगे थोड़ा सा, बिजनेस भी आपका बहुत बढ़िया शुक्र के समय में नहीं चल पाएगा, जीवन साथी के साथ भी थोड़ा सा टेंशन तनाव की स्थिति रह सकती है, और शुक्रदेव के कारण परिवार में भी जो है सो थोड़ा सा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पड़ोसी से भी बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। शुक्रदेव के कारण वाणी बड़ी मीठी हो जाएगी आपकी इस महीने में, आप एक तो पैसा नहीं रहेगा पॉकेट में, लेकिन वाणी जो है सो बड़ा मीठा रहेगा, जिसके कारण से काम आप सब निकलवा लोगे, ये बात आप में इस महीने में बनी रहेगी। शुक्रदेव की यहाँ से दृष्टि अष्टम भाव पर में, एक तो मारक ग्रह ऊपर से गलत भाव पर में दृष्टि, तो परेशानी तो है। अब शुक्रदेव क्या परेशानी डालेंगे अष्टम भाव पर दृष्टि के कारण, कि आपके काम धंधा में बड़ा रुकावट पैदा करना शुरू कर देंगे, रोकना शुरू करेंगे। आप एक काम को संभालने की कोशिश करोगे दूसरे को खराब कर देंगे, दूसरे को संभालने की कोशिश करोगे तीसरे को खराब कर देंगे, ये काम शुक्रदेव यहाँ पर में करेंगे। तो शुक्रदेव को भी आपको अपने फेवर में करना है, उनके सामने भी हाथ जोड़ना है और कहना है ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः।
ओम सुंग शुक्राय नमः। इस मंत्र का आपको निश्चित रूप से इस महीने में जाप करना है, पूरा महीना ही करना है, और शुक्रदेव को कैसे भी करके अपने फेवर में कर लो ताकि आपका बैंक बैलेंस जमा पूंजी जो है वो खर्च ना हो, वो ख़त्म ना हो और आपके हर काम में बाधा ना आए। तो आपने याद ये कर लो कि 16 नवंबर तक तो ओम सूर्य देवाय नमः और सूर्य को जल देना है। दूसरा पूरे महीने बुध का ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करना है, कम से कम 5 बार स्नान करने के बाद में। अगर ना कर पाओ स्नान तो फिर कभी भी कर सकते हो। और तीसरा कि मंगल के मंत्र का ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का भी जाप दैनिक रूप करना है। नहीं, उसके बाद हो गया एक और शुक्रदेव का भी उपाय करना है, इनको भी हाथ जोड़ के रखना है, इनको भी अपने फेवर और पार्टी में रखना है अभी इनको, और कहना है ओम सुंग शुक्राय नमः, ओम सुंग शुक्राय नमः, ओम सुंग शुक्राय नमः, ओम सुंग शुक्राय नमः, ओम सुंग शुक्राय नमः। 5 बार हो गया 5 बार जाप कर लिया, तो कम से कम 5-5 बार सभी ग्रहों का जाप कर लोगे आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे भाव में गुरुदेव नीच के बैठे हुए हैं लेकिन शनि भी साथ में है। मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं और शनि भी साथ में है, कमाल की बात ये है, तो जिसके कारण से नीच भंग राजयोग की स्थिति पैदा हो गई। ये बुरा रिजल्ट नहीं देगा, ये राजयोग वाला रिजल्ट देगा, ये फायदे का सौदा रहेगा आपके लिए। ये जैसे कि क्या क्या फायदा होगा, तो अब तीसरे भाव में ये राजयोग बना है तो मेहनत बहुत करेंगे, पराक्रमी रहेंगे, भुजाओं में ताकत दिखाई देगा, जो लगेगा कि बांह में, क्योंकि ये बांह का भुजा का भी घर है, ऐसा प्रतीत होगा कि भुजा में बहुत ताकत है, बहुत पावर है हाथों में, जैसे कि पेशेंस लेवल बड़ा हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एकदम पेशेंस में रहेंगे, एकदम धैर्य में रहेंगे। गुप्त शत्रु जो भी टकराने की कोशिश करेगा उसको चूर चूर हो जाएगा, जैसे ही टकराएगा उसको धूल चटा दिया जाएगा, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा गुप्त शत्रु। और आपको बता दूं कि गुरु जो हैं सो आपके कुंडली में धन भाव के स्वामी है, तो यहाँ पर मैं गुरु अपना चाल चलेंगे। अब गुरु के चाल चलने का समय आ गया है, क्योंकि एक तो गुरु कुछ कर नहीं पाते, खराब ही करते, लेकिन क्योंकि शनि देव साथ में आ गए तो नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो गई और गुरु को चाल चलने का मौका मिल गया। अब गुरु यहाँ पर में चाल चलेंगे, क्या चाल चलेंगे, तो गुरु क्या करेंगे कि ये जो शुक्रदेव जो धन को खर्चा करवा रहे थे, अब गुरु भी उसमें प्रवेश कर जाएंगे। अब एक तरफ से शुक्र खींचने की कोशिश करेंगे, एक तरफ से गुरु उसमें देने की कोशिश करेंगे। शुक्रदेव कहेंगे मैं निकालूंगा, गुरुदेव कहेंगे मैं उसमें डालूंगा, यानी कि ये प्रक्रिया चलती रहेगी। गुरु आपके कुंडली में 20 नवंबर तक इसी भाव में रहेंगे, तीसरे ही भाव में, जो कि नीच भंग राजयोग का फल आपको 20 नवंबर तक फलित होगा। यानी कि शुक्रदेव कितना भी निकालने का, इसमें से ऐसे ऐसे करके निकालने का कोशिश करेंगे कि मैं निकालूं, और गुरुदेव इसमें उतना ही डालने का, शुक्रदेव ऐसे निकालेंगे गुरु ऐसे डाल देंगे, शुक्रदेव ऐसे निकालेंगे गुरु ऐसे डाल देंगे, शुक्रदेव ऐसे निकालेंगे गुरु ऐसे डाल देंगे। यानी कि ये गुरु शुक्र का खेल जो है जो 20 नवंबर तक चलता रहेगा, लेकिन समस्या की बात ये है कि 20 नवंबर के बाद गुरु यहाँ से भाग खड़े होंगे और भाग करके चले आएंगे आपके चौथे भाव में। चौथे भाव में चले आएंगे, फिर भी आपको बुरा रिजल्ट नहीं देंगे गुरु, यहाँ भी आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। जैसे कि अब उधर वो निकालने डालने वाला खेल अब बंद कर दिया गुरु ने वहाँ पर में, अब क्या करेंगे गुरु 20 नवंबर के बाद में कि आपको जमीन खरीदवाना शुरू करवा दे, कहेंगे यार शुक्र बहुत परेशान कर रहा है, इधर नहीं लेने दे रहा है, पैसा जमा ही नहीं होने दे रहा है, एक काम करो चलो छोड़ो पैसा जमा ही करना बंद कर दो, इधर आपको ज़मीन खरीदवाना शुरू करवा देंगे। आपको कहेंगे कि ज़मीन में तुम दिमाग लगाओ, ज़मीन में तुम दिमाग लगाओ, ज़मीन में तुम फोकस करो, ज़मीन में प्लॉट देखो, प्लॉट देखो, प्लॉट लो, और वहाँ पर मैं गुरु आपके दिमाग पर में बत्ती जलाने की कोशिश करेंगे और आप ज़मीन पर में फिर फोकस करना शुरू करेंगे, उधर बैंक बैलेंस करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो शुक्र उधर भारी पड़ रहे हैं और गुरु को वहाँ से भाग करके निकलना पड़ा। तो क्या करेंगे कि आपको ज़मीन पर में ध्यान दिलवाएंगे, कहेंगे इधर इन्वेस्टमेंट करो, उधर पैसा जमा ही मत करो, कहेंगे कि मकान बना लो, ज़मीन नहीं खरीदना है ठीक है छोड़ दो कोई दिक्कत, मकान बना लो, मकान में कुछ पैसा खर्च कर लो, मकान भी नहीं बनाना है, बना हुआ है तुम्हारा, एक काम करो कहीं फ्लैट ले लो, फ्लैट भी नहीं लेना है ठीक है, मकान में कुछ गड़बड़ी हो गई है, उसको पेंटिंग वगैरह करवाना है, कुछ प्लास्टर वगैरह करवाना है, कुछ काम करवाना है घर में, वो करवा लो, जमा मत करो पैसा, क्योंकि वो जमा होने नहीं देंगे, उधर वो काम करवा लो। अच्छा वो भी नहीं करना है, वो भी कर रखा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, एक काम करो गाड़ी लेना है गाड़ी ले लो, गाड़ी लो चलो मजा करो, तो गुरु आपको वहाँ पर में फोकस करेंगे। अच्छा कहेंगे गुरु ठीक है तुम्हारे पास गाड़ी भी है कोई बात नहीं है, गाड़ी भी नहीं लेनी है ठीक है, एक काम करो तुम कुछ अचल संपत्ति ले लो, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात जो भी खरीदना है वही खरीद कर कुछ रख लो,
तो गुरु इस प्रकार से आपको कन्वेंस करेंगे और प्रयास करेंगे कि कुछ ना कुछ इसको दिला दिया जाए। बस गुरु का ये हमेशा मोटिव रहेगा। तो गुरु के लिए कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, गुरु ऐसे ही अपने फेवर में है, अपने पार्टी के आदमी है वृश्चिक राशि वाले, इसलिए गुरु का कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, उसके बाद शनिदेव हमेशा मकर राशि में ही रहने वाले हैं पूरे महीने, और शनिदेव इस वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए सम ग्रह है, मारक भी नहीं है, कारक भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले नहीं है। तो मिला जुला करके शनिदेव ठीक ठाक फल देंगे, जैसे ही काम धंधा करवाएंगे, मेहनत वगैरह करवाएंगे, पेशेंस लेवल बना करके रखेंगे, जमीन प्रॉपर्टी मकान वगैरह बनाने का योग बना देंगे, शनि की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 पत्नी से सुख दिलवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टेंशन तनाव भी करवाएंगे, काम धंधा भी बराबर चलता रहेगा, 6-7 भाग्य का भी थोड़ा सा सपोर्ट दिलवाएंगे, ससुराल से भी कुछ फ़ायदा दिलवाने की कोशिश करेंगे। 8, 1, 2, 3 शनि की तीसरी दृष्टि होती है, 3, 7 और 10 होती है शनि की दृष्टि, तो 1, 2, 3 पंचम भाव के रिगार्डिंग शनि बढ़िया फल देंगे, पंचम भाव के रिगार्डिंग रिजल्ट देंगे शनि, जैसे कि धन लाभ करवाएंगे, ननिहाल से फ़ायदा करवाएंगे, यहाँ पर मैं आपको संतान से फ़ायदा करवाएंगे, बड़े बुजुर्गों से कुछ फ़ायदा दिलवाएंगे, पढ़ाई लिखाई में बढ़िया रिजल्ट देंगे। शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य के घर पर में पड़ेगी, तो भाग्य से थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, ससुराल पक्ष से कुछ फ़ायदा मिलेगा। शनि की दशम दृष्टि 7, 8, 9, 10 द्वादश भाव पर में, तो कुछ खर्चा वगैरह पर ब्रेक लगाने की कोशिश करेंगे शनिदेव, तो इन सब के रिगार्डिंग शनिदेव का रिजल्ट जो है आपके लिए सो वो बढ़िया रहेगा, ठीक रहेगा। मिला शनिदेव ना ही आपको नुकसान कर रहे हैं ना ही कर रहे, वो एक सम ग्रह बन करके बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो शनि का ये कहानी हो गया। अब बच गए एक देवता जिनका नाम राहु है, जिनसे सब कोई डरता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, इतने विरोध में हो गए तो क्या हुआ, राहु अपने सपोर्ट में है, राहु अपने फेवर में है, वो अपना गलत नहीं करेंगे, वो अपने फेवर में है। राहु उच्च के बैठे हुए हैं हमारे लिए सप्तम भाव में, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये वृश्चिक राशि वालों के लिए फेवर में है, जैसे कि क्या क्या अच्छा कर देंगे, अब बहुत बुरा सुन लिया आप कुछ, राहु अपना क्या क्या दे सकते हैं ये देख लो। जैसे कि राहु यहाँ पर में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो अगर आपका शादी वगैरह नहीं हुआ है तो मोहब्बत करवा सकते हैं किसी से, अफेयर वगैरह करवा सकते हैं राहु देवता आपको। अगर शादी वगैरह हो चुका है तो पति पत्नी को जो खूब प्यार करवा देंगे, बहुत बढ़िया संबंध बनवा देंगे, कारोबार बहुत बढ़िया चलवाएंगे, खूब बढ़िया करो कारोबार, खूब बढ़िया करो, इधर सारे के सारे अपोजिट हो गए तो होने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और कहेंगे कारोबार करो, काम धंधा करो बढ़िया, तुम तुम्हारा काम धंधा जो है फर्स्ट क्लास हम चलवाऊँगा। और बताऊँ कि विवाह का योग बना देंगे, जिसका विवाह नहीं, कहेंगे तुम्हारा विवाह करवाऊँगा इस वक्त, इसी महीना में करवाऊँगा, इसके लिए जो हो जाए वो पूरा प्रयास करेंगे राहु देवता। बाकी ग्रह विपरीत हैं फिर उससे क्या हुआ, लेकिन राहु अपना प्रयास जारी रखेंगे। अब सफलता इसमें इनको कितना मिलेगी ये अब ये जाने, लेकिन ये प्रयास पूरा करेंगे। जैसे कि और क्या प्रयास करेंगे कि आपका दैनिक व्यवसाय चालू करवाने का प्रयास करेंगे, आपका बढ़िया चले, आपका जो है सो दुश्मन को धूल चटवाने का प्रयास करेंगे कि इस दुश्मन को तो ऐसा धूल चटाना है कि फिर इससे टकराने की हिम्मत ना करे, वो राहुदेव काम करेंगे। उसके बाद पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ बिजनेस में काम चल रहा होगा तो उसको भी कहेंगे कि नहीं इसमें भी बढ़िया फायदा होगा, दोनों को फायदा दिलवाएंगे। राहु की दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 लाभ के घर पर में, तो कहेंगे पैसा आने दो, लाभ लाओ, लाभ लाओ, पैसा लाओ, आय में बढ़ोतरी करो, उपलब्धि प्राप्त करवाओ, साझे ये महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करो, सीनियर्स का सपोर्ट दिलवाएंगे आपको, इन सब से राहुदेव आपको फायदा दिलवाएंगे। सप्तम दृष्टि दिमाग बनो, दिमाग से भी काम करवाएंगे, दिमाग से काम लो। नवम दृष्टि 7, 8 नवम दृष्टि आपके मेहनत के घर पर, तो आपसे मेहनत भी पर्याप्त मात्रा में करवाएंगे, इसमें भी कहीं कोई दोराई की बात नहीं है। तो ये वृश्चिक राशि वालों का बड़ा रोचक इस महीने में कहानी मैं देख रहा हूँ गोचर कुंडली में, और बड़ा मज़ा आ गया फलादेश करके कि वृश्चिक राशि वालों का कुछ खेल इस महीने में कमाल का होने वाला है, और अच्छा लगा मुझे भी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा ये वीडियो देख करके। और उपाय बस वही 3 करना है, मंगल के मंत्र का दैनिक रूप से जाप अथवा हनुमान चालीसा का दैनिक रूप से पकड़ लो पाठ करना, बुध के मंत्र का पूरे महीना जाप, और सूर्य के मंत्र का 16 नवंबर तक जाप, और शुक्र के मंत्र का पूरे महीना जाप, बस इतना ही करना है, बाकी ज़्यादा कुछ दिमाग माथापोरी करने की जरूरत नहीं, और इन सब को करने में आपको 5-10 मिनट का समय लगेगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारा अंदाज पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सभी व्हाट्सएप पर में शेयर कर दें प्लीज़, ये मेरा आपसे आग्रह है कि अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, फेसबुक के टाइमलाइन पर में अपना वाले में लगा दें, क्या आपका जा रहा है कुछ नहीं जा रहा है उसको शेयर कर दें अगर आपको आता है करना तो, और अपने स्टेटस में भी लगा देंगे तो बड़ी अच्छी
बात होगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार बोलना पड़ेगा, राधे राधे।